किया था। पवन सोलंकी जो थे फर्स्ट, जो सीईओ है, चेयरमैन है, उन्होंने पहली नॉमिनेशन दी थी और अब तक हम 77 रिकॉर्ड्स कर चुके हैं और ये नवंबर में लिम्का बुक्स पूरा करेंगे। ये पूरा जो साथ है, ये साथ दिया है मेरी टीम ने, मेरी वाइफ, माई सन, मेरे पेरेंट्स खड़े और मेरे दोस्त लोग खड़े पीछे, ये सबका सपोर्ट था और यहाँ तक पहुँचे जर्नी। बहुत जल्द आप लोग को मिलेंगे 101 अवार्ड के साथ। थैंक यू। 400 अहमदाबाद में हो चुके हैं। जो पवन जी ने मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से वो आगे लेके बढ़ रहे हैं, इट्स फैंटास्टिक। इन फनकारों को ढूंढना पैन इंडिया अपने आप में एक बड़ी बात है और द वे इज डूइंग इट, हैट्स ऑफ। पवन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना बाहर में होते हैं, शंकर भगवान को सुन गए, बारिश हो रही है जी, और आप गुजरात से चल के यहाँ मुंबई में आए हैं, आपका भगवान ने भी मतलब आपको किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 5th जीनियस इंडियन अचीवर्स अवार्ड है और यहाँ हम 60+ ऑल इंडिया से इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन स्पेशल कैटेगरी में हम उनको सम्मान कर रहे हैं और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस है और आगे भी हम जो आगे के 4 अवार्ड जो हो चुके हैं उसमें करीबन हम 300 लोगों को ऑलरेडी सम्मानित कर चुके हैं। तो ये जो 5th अवार्ड जा रहा है वो बहुत जितने अचीवर्स है उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। अनिल मुरारका सर, अमन तारिका, पवन अग्रवाल सर, काफ़ी हमारे गेस्ट भी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो और भी ये हमारा शो जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। थैंक यू। पवन साहब, किस किस कैटेगरी में और किस किस को अवार्ड दिया गया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड कैटेगरी में? ये अवार्ड कैटेगरी जो है वो आर्ट है, कलेक्शन है, फिलान्थ्रोपिस्ट है, सोशल है, ऐसी 7 कैटेगरी के अंदर हम अलग अलग अवार्ड दे रहे हैं। तो आज हम इसी कैटेगरी में 60 अवार्ड इसको अवार्ड दे रहे हैं। गुजरात से चल के मुंबई कुछ आना, कुछ खास इसका मकसद था इसके पीछे? कई जितने भी बॉम्बे, महाराष्ट्र से करीबन हमारे पास 600 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो उनका कहना था कि एक महाराष्ट्र में होना चाहिए, 4 हमने अहमदाबाद किए, तो महाराष्ट्र के लोगों का कहना था कि भाई एक मुंबई में करो, महाराष्ट्र के अंदर। तो सर ने, मुरारका सर ने हमने सपोर्ट किया, ऋषि सरोडे ने जो रोल मॉडल स्केटर्स है उन्होंने, दोनों लोगों ने मिल के ये मेरा इतना सपोर्ट किया है तभी मैं हिम्मत कर पाया हूँ ये करने के लिए। अमन, अमन बॉलीवुड के लिए कितनी खुशी की बात है कि जो गुजरात में कार्यक्रम हो रहा था वो अब मुंबई में हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये महानता दर्शाता है, कितनी बड़ी महान ये जो है प्रथा है और ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि बच्चों को तारीफ है। जो बच्चों में है, देखिए विद ऑल रिस्पेक्ट अमन भाई,
आज एक कलाकार की बात करता हूँ, सचिन तेंदुलकर साहब की, वो भी 10th पास है लेकिन आज ग्लोबल फिगर है, आज कौन नहीं जानता उनको। मतलब एवरी किड देयर इज अ स्पार्क समवेयर, वी नीड टू नर्चर इट एंड टेक इट फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट पवन जी इज डूइंग टुडे। आई एम मिस्टर नवीन बारोट फ्रॉम गुजरात, आई मीन नडियाद। मैं पवन भाई को इतना बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स, जो मेंबर्स लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इंसान है, उसमें जो छुपी हुई शक्ति है, जो टैलेंट्स है, वो इसके जरिए जो बाहर ला रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पवन भाई और उसकी टीम को इतनी शक्ति दे कि ऐसा प्रोग्राम बार बार आए और दुनिया के सब बच्चे बहुत आगे आए। थैंक यू। शो डिजाइन किया हुआ हमने, जिसको हमने नाम दे रखा है द शूबीर अवार्ड, पिछले 6 साल से कर रहे हैं और भारत प्रेरणा अवार्ड एक मर्जर करके इस बार एक शो कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, मीडिया भाइयों से, कि आप आए देखें कि हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ अ शो फॉर द रियल हीरोज ऑफ लाइफ, जिन्होंने देश के लिए कुछ ऐसा अजूबा किया, नायाब किया और जो हम तक मतलब आवाम तक नहीं पहुंचा है, उन सितारों को इकट्ठा करके एक मंच पर लाने की कोशिश की है। तो लेट्स प्लीज कम टुगेदर एंड टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। बारे में ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे किशन कन्हैया नहीं होते तो ये अवार्ड फंक्शन बहुत मुश्किल था मेरे लिए यहाँ पे करना। इनके साथ के सिवा, एम्पल मिशन के सिवा रोल मॉडल कुछ भी नहीं है। मेरे किशन कन्हैया के आशीर्वाद से आज ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुंबई में फिनिक्स मॉल में ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, सबकी दुआ है, मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया इस अवार्ड फंक्शन के लिए, और आपका सबका शुक्रिया। दिल में एक ऐसा था कि एक अवार्ड फंक्शन रोल मॉडल स्केटर करे, जिया के साथ मिलके आज मैंने दिखा दिया मुंबई को कि एक अवार्ड फंक्शन एम्पल मिशन रोल मॉडल स्केटर और जिया साथ में कर सकते हैं। एम्पल मिशन तो बहुत सारे अवार्ड फंक्शन करते हैं, पर दादा के आशीर्वाद से ये पहला अवार्ड फंक्शन था रोल मॉडल स्केटर का, और दादा को खाली 2 घंटे की फोन कॉल पे दादा आए हैं और पहले से हमारे साथ थे, बहुत मदद की है इस अवार्ड फंक्शन के लिए, बस और कुछ नहीं कहना चाहिए। अवार्ड मिला है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में 1 मिनट में 35